हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। सबसे पहले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, जो CEE के बच्चे हैं 2021 के एस्पिरेंट्स, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि सर CEE 2021 का एक क्रिटिकल इफेक्टिव स्टडी प्लान ज़रूर बनाइएगा। तो आज मैं टाइम निकाल के आपके सामने आया हूँ, बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि थोड़ा सा टाइम का कमी हो रहा है, थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी है, और अपना ऑफलाइन के बच्चे जो है उनको भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम एग्ज़ाम सब कुछ चल रहा है अभी, है ना। तो अभी अब यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव स्टडी प्लान CEE 2020 के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा आपको एक्चुअली करना क्या है और आप क्यों करोगे, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हो उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, ये हम पहले से ही जानते हैं। सो कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है, अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को डेफिनेटली आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, खुद कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छे से हम लोग इसमें प्रिपरेशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया सारे CEE के जो एस्पिरेंट्स हैं सबको, क्योंकि जो भी CEE के बच्चे हैं, जो सी देने वाले हैं, सब लोग जेईई मेंस तो देंगे, जेईई मेंस उनके दिया हुआ होगा। कुछ बच्चों का अच्छा परसेंटाइल आया होगा, कुछ बच्चों का कम इतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आया होगा। तो मैं दो ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड किया। एक हो गया जेईई मेंस में जिन लोगों का परसेंटाइल 75% से ज़्यादा है और जिन लोगों का परसेंटाइल 75% से कम है। बात समझ में आ रहा है? वो दो कैटेगरी को मैं अच्छे से बताने वाला हूँ क्या होने वाला है। तो C1 हो गया जो 75% से ज़्यादा है और C2 हो गया आपका जो 75% से कम है। तो C1 वो बच्चे हैं जिनका स्ट्रेंथ इज़ मोर देन वीकनेस, मतलब उसने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जेईई मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, वो अलग बात है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब आपका मोर देन 50% सिलेबस आपका क्या है, अच्छा है, स्ट्रांग है। क्योंकि देखो जेईई में या फिर आप CEE में सारे क्वेश्चन अटैम्प करना भी नहीं है और सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प करने का ज़रूरत भी नहीं, क्वालिफाई और अच्छा नंबर लाने के लिए आपको सब सॉल्व करना ही ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले सलाह देता हूँ, जो स्ट्रेंथ इज़ मोर देन वीकनेस, आप लोग के काम करिए जो आपका स्ट्रेंथ है उसको पूरा अच्छे से बिल्डअप करिए। वो स्ट्रेंथ को जितना जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, मैकेनिक्स पढ़ा है आपने, SHM पढ़ा है आपने, थर्मल फिजिक्स पढ़ा है, ग्रेविटेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है, ऑप्टिक्स पढ़ा है, क्योंकि ये मेन मोटे तौर पे देखा जाए तो ये मेन पार्ट है, वो सारे आपने पढ़ा है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका जो प्रिपरेशन परसेंटेज है वो वीकनेस के तरफ ज़्यादा है या स्ट्रेंथ के तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा है। अगर आपके स्ट्रेंथ के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा है तो डेफिनेटली आप C1 पे हो और आप अपना परसेंटाइल देके भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। तो 80% अपना जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपने सॉल्व करना है और पूरा का पूरा लगाना है, रिवाइज करना है, और साथ साथ में वीकनेस को भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस जो होता है, हो सकता है कुछ पार्ट आपका कमी है, तो एटलीस्ट वो सारे पार्ट का फॉर्मूला आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, वो भी NCERT, ठीक है। NCERT के बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री या सब कुछ के बारे में बात कर रहा हूँ, NCERT तक देखना है, फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये C1 कैटेगरी के बच्चे हैं। C2 कैटेगरी के बच्चे जो है जिनका वीकनेस इज़ मोर देन स्ट्रेंथ, मतलब आप देख सकते हो अपना प्रिपरेशन को एक बार एनालाइज करो तो देखोगे, अगर आपका इंक्लिनेशन जो है वीकनेस की तरफ लेस देन 50% आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मान लो 40%, 20%, 30% आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना डेवलपमेंट पे आपको काम करना चाहिए। मोर देन 80% टाइम जो आप पढ़ाई करते हो उसका 80% टाइम आप अपने वीकनेस के टाइम दे दो, अपना वीकनेस को डेवलप करने के लिए दे दो, और 20% टाइम अपने स्ट्रॉन्ग पे दो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी अच्छे से रखना है कि आप उसको रिवाइज करते जाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग बने रहेगा, वीक भी स्ट्रॉन्ग बनते रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम उसको दे रहे हो। बात समझ पा रहे? तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है और ये हिसाब से आप पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा टाइम थोड़ा वीकनेस को दो लेकिन स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक है उसको आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको वर्कआउट, आपको वर्कआउट कैसे करना है, मतलब वर्कआउट इन द सेंस आप बोल सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें सर, कि CEE का तो क्वेश्चन बैंक आता नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिलता भी नहीं है, ऐसा बहुत कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है। तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आप PYQ करो, जेईई मेंस का PYQ 2014 से लेकर 2021 तक, अभी जुलाई अटैम्प्ट जो हुआ था वहाँ तक आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। स्पेशली मैं यहाँ पे नीचे बोल रहा हूँ PYQ 2021 ऑल अटैम्प्ट, यहाँ पे तीन अटैम्प्ट जो हुआ
था थर्ड अटैम्प्ट तक, अब सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको सॉल्व करो। एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला आप उसको अच्छे से देखो, देखना आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। वैसे ही CEE भी होने वाला है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आप सोच सकते हो कि वो तो NTA नहीं बना रहा है, हालांकि जो भी बना रहा होगा S2 बना रहा है, लेकिन आपको पैटर्न वैसा ही देने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। NTA से ऊपर नहीं जाने वाला है लोग। तो आप अगर JEE मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लोगे तो CEE में आने वाला क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हो, और साथ साथ में रिपीटेशन होता है बच्चों, JEE मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको CEE में आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। तो वर्कआउट आपको PYQ JEE मेंस 2014 से 2021 तक आपको करना है, और PYQ 2021 तो 100% सारे अटेम्प्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम के तो जैसे आप उसको सॉल्व करके देना है, एग्जाम जैसे आप इसको बैठो, 3 घंटा बैठो, सॉल्व करते जाओ, ठीक है, ऐसा ही करना है। ट्रैकिंग मिस्टेक्स, आप अपना मिस्टेक्स को देखो, PYQ आपने किया है, आपने अगर मॉक टेस्ट कुछ दिया हुआ होगा JEE मेंस में प्रिपरेशन करते वक्त, तो उसका जो डाउट है, जिसका जो मिस्टेक्स है, उसको आप ड्रिग आउट करो, उसको देखो, ट्रैक करो, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। जो भी आपके पास किताब है, फलाना किताब होगा, कोई कोचिंग सेंटर का किताब होगा, उसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आप करते जाओ हर दिन, एटलीस्ट हर दिन आप एक एक चैप्टर का करते जाओ, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन आप करते जाओ, तभी आपको रिवाइज होते रहेगा। मान लो आपने बहुत पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा था, अभी तक रिवाइज किया ही नहीं है, तो एटलीस्ट आप मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आप बनाओ। जैसे आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बना लिया, एटम का एक बना लिया, न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बना लिया, चलो हो गया, थोड़ा सा फॉर्मूला आप रिवाइज होते रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी का जो फॉर्मूला है, सारे के सारे फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करना है। तो मैंने जैसे वर्कआउट यहाँ पे इस वाले स्लाइड में मैंने आपको वर्कआउट के बारे में बात करता है, वर्कआउट PYQ JEE मेंस 100% करना है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको ड्रिग आउट करना है, उसको अच्छे से देखना है, फॉर्मूले को अच्छे से देखना है, और यहाँ पे मिस्टेक को भी अच्छे से ट्रैक करना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तीसरी बात आता है प्रैक्टिस मेथोडोलॉजी। प्रैक्टिस मेथोडोलॉजी इन द सेंस क्या होता है, सब लोग 3 घंटे बैठने का प्रैक्टिस करते हैं, बट यहाँ पे प्रैक्टिस 3 घंटे बैठने का नहीं है, 3 घंटे बैठ के सॉल्व करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आप क्या करो, शुरुआती कंडीशन पे एटलीस्ट पहला 1 घंटे में आप फिजिक्स का 5 क्वेश्चन करो, केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन करो, और मैथ का 5 क्वेश्चन करो, 5-5 क्वेश्चन ऐसे स्लॉट वाइज करते जाओ, तो आप देखना बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं ये 5 क्वेश्चन JEE मेंस का क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 घंटे में 5 किया, 2 घंटे में और 5 किया, 3 घंटे में और 5 किया, तो एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, 15-15 करके आप कर ही लोगे, तो आराम से आपका बहुत अच्छा खासा 180 मार्क्स के हिसाब से आपका आ ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 180 मार्क्स आ रहा है तो CEE में बहुत अच्छा रैंक आपको आने वाला है, बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो मैथ प्रैक्टिस मेथोडोलॉजी में ये बोल रहा हूँ, फिजिक्स का 5 क्वेश्चन करो, केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन करो, मैथ का 5 क्वेश्चन करो, और ये 5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर का नहीं है, 3-4 चैप्टर, जैसे आपने मैकेनिक्स लिया, जैसे आपने SHM लिया, जैसे आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक लिया, जैसे आपने मॉडर्न फिजिक्स लिया, ये 4 चैप्टर किया, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा टाइप का करना है, मैथमेटिक्स का भी वैसा ही, कॉनिक सेक्शन ले लिया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ले लिया, परमुटेशन कम्बिनेशन ले लिया, कोई और आप मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वो ले लिया, ऐसा टाइप का करो। केमिस्ट्री में आप फिजिकल केमिस्ट्री अगर होगा तो 5 है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो 10 क्वेश्चन आपको एक बनाना है, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा प्रैक्टिस करते जाओ, आप एग्जाम हॉल में जाके ऐसा पैनिक नहीं करोगे, एग्जाम हॉल के जाके आपको ऐसा नहीं बोलोगे कि सर हम सॉल्व नहीं कर पाए, ये फलाना, आप कुछ नहीं बोलने वाले हो। तो ऐसा प्रैक्टिस मेथोडोलॉजी करना है, और इसको बच्चों पूरा ध्यान से, ईमानदारी से उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रैंक मिलने वाला है, बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। मैं अगेन आपको आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा लेट हो गया, बट अभी मैं आपके साथ हूँ, आप डेफिनेटली साथ रहूँगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच, है ना, एंड ऑल द बेस्ट बच्चों आपके एग्जाम के लिए। उससे पहले और भी बातें होते रहेगा, आप बताइएगा कौन सा और किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तो उसके ऊपर मैं टाइम निकाल के 1-2 वीडियो और बना लूँगा। ओके, बाय बाय एंड गुड लक।